अंकल कब से बना रहे हैं आप ये? ये 40 साल से काम कर रहा हूँ मैं पेंटिंग का। ये मीना की कहानी मतलब। और कहाँ से आप? हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान मस्सी गांव में। राजस्थान से आप, तो आपसे पहले भी कोई और करता था परिवार में, ये सिर्फ आप ही करते थे? हमारा परिवार ही करता था। परिवार ही करता आ रहा है आपका? हाँ, ये 500 साल पुराना आर्ट है ये। अच्छा, तो क्या क्या बनाते हैं आप इसमें? इसमें अलग अलग स्टोरी पे कवर बनाते हैं। ये क्या है? मीना की कहानी। मीना की कहानी एक स्टोरी है, मैं आपको। ये स्टोरी है पूरी? बिल्कुल स्टोरी है। अरे वाह। एक गांव है। हाँ। गांव में लड़कियों को पढ़ाते नहीं, घर के काम में लगा देते हैं। गाय बकरी चराने के लिए, खेत का काम करने के लिए। तो ये मीना नाम की लड़की है, उसकी मम्मी के साथ में गाय बकरी चराने के लिए जाती है। ये उसका विलेज है। ये मीना का पिताजी का घर है। पिताजी पेट की छाव बैठे, सुबह का टाइम था। उसकी मम्मी साफ सफाई का काम करी है। मैडम आके कहती है उसके पिताजी को, आप मीना को पढ़ने के लिए भेजो। तो उसके पिताजी कहते हैं लड़की को पढ़ा के क्या करना, ये पढ़ाए घर जाएगी, इसको चूल्हा चौका देखना है, हमारा घर का काम कौन करेगा, लड़की पे पैसा क्यों खर्च करें। तो मैडम ने कहा लड़का लड़की एक समान, सबको दो शिक्षा का ज्ञान। अगर ये लड़की पढ़ेगी अध्यापक बन सकती, डॉक्टर बन सकती, इंजीनियर बन सकती, वकील बन सकती, आप इसको पढ़ने के लिए भेजो। तो मैडम की बात मान के गांव के स्कूल में 10वीं तक स्कूल था, पढ़ने में 10वीं तक पढ़ी हो, अच्छे अंगों से पास होती रही, बड़ी हो गई तो माँ की हेल्प करा रही, मीना सब्जी काट रही, माँ खाना बना रही। पिताजी एक आर्टिस्ट हैं, वो भैया उसका पढ़ रहा है। फिर आगे पढ़ने के लिए वो सिटी कॉलेज में जाती है। आगे पढ़ने के लिए सिटी कॉलेज में जाती है, वहाँ पे भी अच्छे अंकों से पास होती है, वार्षिक उत्सव में उसको सरप्राइज मिलता है। फिर आगे पढ़ने के लिए वो प्लेन में बैठ के लंदन जाती है, लंदन मेट्रो। वहाँ जाके कंप्यूटर का कोर्स किया, कोर्स खत्म करने के बाद में उठती है, उसके पिताजी ने जो पेंटिंग बनाया उसका एग्जीबिशन लगा के वहाँ भेज दिया। वापस वो इंडिया में आई, महिला समूह बना के सब लेडीज को पढ़ना सिखाया, काम करना सिखाया। फिर एक इंजीनियर से उसने शादी की। हम दो, हमारे दो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन।